जैसे रिटर्न जाने वाला था यहाँ पे एक ग्रुप आए हैं और इस ग्रुप के साथ मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ। वाटरफॉल के पास जाने वाला हूँ, उसका बेस पॉइंट जहाँ वाटर का जो स्रोत है उस पे जाऊँगा मैं और वहाँ पानी का आनंद लेता हूँ। तो चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। मेरे को लगभग 1 घंटे का ट्रैकिंग है यहाँ से। सो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स गो। Come on, honey. Come on, bro. Come on. तो आप देख सकते हैं दे आर कमिंग। सो गाइस मैं पहुंच गया एक अच्छे खासे हाइट पे और एक ग्रुप अभी फ़िलहाल थक गया है और उधर ही रह गया है। आप देख सकते हैं वो ग्रुप टायर्ड हो गया है। सो कम ऑन। तो एक ग्रुप मेरा उधर ही फंस गया अभी फ़िलहाल। सो गाइज मैं भी थक गया हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थक के बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। हाउ इज द जोश? हाय सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेट्स गो एवरीवन। आ रहा है, अरे चलो चलो। तो मैं फ़िलहाल पहुंच गया हूँ असले वाटरफॉल के पास, एकदम करीब। कुछ ही देर में पहुंचने वाला हूँ। हाँ आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ऊंचा पे आ गया, काफ़ी हाइट है यहाँ पे और वाटरफॉल यहाँ से दिखने लगा है कुछ कुछ। हाँ तो गाइस चलते हैं अभी और ऊपर। मुझे मत देखना, जोश चला गया, जोश डाउन है भाई साहब का, एनर्जी लेवल डाउन हो गया है बिकॉज काफ़ी चढ़ाई है। पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छे से चढ़ पाओ, थकना कंपलसरी है गाइज। और आप देख सकते हैं मैं बेसमेंट से कितना ऊपर आ गया हूँ फिलहाल। और एक भाई साहब थक के आ रहे धीरे धीरे स्लोली। सो चलते हैं और ऊपर। पैर काम करना बंद कर दिया है गाइज। हो काफ़ी थक गया हूँ मैं चढ़ाई करते करते। और अब मैं वाटरफॉल के पास ही हूँ, करीब एकदम नज़दीक पहुँच गया हूँ फिलहाल। और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रास्ता से आ गया ऊपर। एंड देख सकते हैं आप यहाँ से मेरे पास वाटरफॉल एकदम पास में ही है। ओह माय गॉड। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं आसाले वाटरफॉल के पास और आप देख सकते हैं नज़ारा वाटरफॉल का। ये रहा मेरे पीछे। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूं असले वाटरफॉल के एकदम बेसमेंट पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो गाइज मैं फाइनली पहुंच गया हूं असले वाटरफॉल के सबसे टॉपेस्ट पे और जहां से ये वाटरफॉल का स्टार्टअप है, ये जो मैं दूर से दिखा रहा था आपको, अब मैं उसके बेहद करीब हूं और जो जहां गिर रहा है वो मैं उसका पानी को भी टच कर सकता हूं। तो गाइज काफ़ी मेहनत लगा यहां तक पहुंचने में, लेकिन मैं फाइनली पहुँच गया हूँ असले वाटरफॉल के पास। पहुंच गया हूं असले वाटरफॉल के पास और आप देख सकते हैं मेरे पीछे झरना चल रहा है, जो आप इसको फील कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा बिकॉज 1 घंटे का चढ़ाई ऊपर है और ट्रैकिंग करके मैं फ़िलहाल ऊपर आया हूं। तो गाइज मैं यहाँ आने का मूड में नहीं था बिकॉज मैं अकेला सोलो आया था यहाँ पे, बट यहाँ आने के बाद 2-3 ग्रुप मिला और वो लोग बोले कि चलो साथ में मैं भी ज्वाइन करता हूँ आपको, तो मैं भी उनको ज्वाइन कर लिया। फ़िलहाल आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे असले वाटरफॉल को फील कर सकते हैं और मैं पहुँच गया हूँ असले वाटरफॉल के पास। मैं पहुँच गया फिलहाल असले वाटरफॉल। तो गाइस मैं फाइनली फुल्ली फ्रेश हो गया हूँ और इस पानी को थोड़ा पी भी लिया हूँ। सो टेस्टी वाटर एंड टेस्टी पानी है। और फिलहाल मैं अब यहाँ से निकलूँगा बिकॉज मैं अपना फेस एकदम फ्रेश फील कर रहा हूँ फ़िलहाल। और यहाँ से अब सीधा मैं नीचे के लिए रवाना होता हूँ। तो गाइस लगे रहिए राइडर बॉयमी के साथ और फिर यहाँ से मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। सो लेट्स गो।